हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैं वापस आ चुका हूँ जी टी ए 5 के और गेम प्ले के साथ। और यार, आज का गेम वाले भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो गाइस, अगर आपने पिछले वाला वीडियो देखा था तो आप सभी को याद होगा, अगर पिछले बार हम लोगों ने अपने सीक्रेट कार को लेकर के बिग माफिया के बेटे के सीक्रेट टनल पर लेकर गए थे। वहाँ पर यार उसके सारे बॉडी गार्ड को मारे थे, साथ यार बिग माफिया को भी ख़त्म कर दिया हम लोग। तभी ने गाइस, हम लोग आए हैं FIB के बहुत ही टॉप फ्लोर वाले बिल्डिंग पर, और यहाँ पर आए सिर्फ यार एक सेल्फी के लिए। मतलब यार, एक सेल्फी के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या मस्त व्यू लग रहा है, और भाई बारिश भी रुक नहीं रहा है। तो अभी ना गाइस, हम लोग चलने वाले हैं माइकल के लिए एक बहुत ही तगड़ा सा रोल्स रॉयस लेने के लिए। और भाई सेल्फी भी ना बहुत ही ज़बरदस्त आया है। खैर, अभी ना यार, तो गैस अभी यार हम आ चुके हैं नीचे, और भाई यहाँ पे माइकल का कवासी के निंजा खड़ा है। तो अभी ना गैस, हम लोग चलने वाले हैं घर की तरफ। और भाई आप सभी को याद होगा कि यार पिछले बार हम लोगों ने बिग माफिया के बेटे के सीक्रेट टनल पर अटैक किए थे, और वहाँ पे ना यार हम लोग अपने सीक्रेट कार को लेकर के गए थे और काफ़ी सारे बॉडी गार्ड मारे, और वहाँ पर ना यार काफ़ी सारा गोल्ड और कैश भी मिला था। तो अभी ना गैस, वो सारा गोल्ड और कैश माइकल के घर पर रखा हुआ है। तभी हम लोग चलने वाले हैं वहाँ से यार, कुछ कैश लेंगे जितना भी यार हमें पड़ने वाला है रोल्स रॉयस का। तभी हम लोग चलते हैं फटाफट से घर की तरफ, वहाँ से यार हम पैसा लेकर के चलेंगे प्रीमियम मोटो डिलक्स पर। तभी ना गाइस, हमें जाना होगा फटाफट से घर की तरफ। और भाई बारिश में ना बाइक चलाने का मज़ा ही अलग है, खासकर यार जब कवासी के निंजा। वैसे यार अपने पास एक कवासी के निंजा बहुत ही पहले से था, तो यार काफ़ी पहले हम लोगों ने बाइक किया था, लेकिन अभी भी ना यार बहुत ही ज़बरदस्त लगता है चलाने में। तभी ना गाइस, मैं मास्क लगा लेता हूँ, और मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ लगभग अपने यार अपार्टमेंट पर। और यहाँ से मुझे सीधा जाना है और राइट लेना है, तो ये वाला रास्ता से मुझे राइट लेना था, लेकिन छोड़ो अभी आगे वाला चलते हैं और उस वाले से लेते हैं। तो यहाँ पर गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं अपने यार गैराज के अंदर। अब लोग चलते हैं गैराज के अंदर और सब अपने बाइक को रख देते हैं। तो यहाँ पे गाइस अपने जो गैराज है ना, बहुत ज़्यादा सीक्रेट है, और वहाँ पे ना हम काफ़ी सारे बाइक और जो भी सीक्रेट कार चोरी करके लाते हैं वो यहाँ पे रखते हैं, और यहाँ पे कोई भी नहीं आता है। खैर, अभी ना गाइस यहाँ पे अपने पास फॉर्च्यूनर है, साथ ही एक यार लैम्बोर्गिनी सियान है, और अपना जो सीक्रेट कार था वो भाई हमने लेस्टर के घर पर रखवा दिया है सीक्रेट जगह पर। और भाई जब भी काम लगेगा ना उस सीक्रेट रॉकेट वाले कार का, तो हम उसे निकाल कर यार अपना काम करेंगे। खैर, अभी ना गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने अपार्टमेंट के अंदर। और भाई अपना अपार्टमेंट क्या लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त अपना घर यार, काफ़ी शानदार है। खैर, यहाँ से ना काफ़ी अच्छा खासा व्यू ही मिल जाता है। तभी ना गाइस हम लोग चलते हैं ऊपर, और सारा गोल्ड और कैश मैंने यहीं पर रख रखा है। तभी ना गाइस कपड़ा वगैरह चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यार पानी आ रहा था, मतलब बारिश हो रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा भीग भी गया है। तो अभी हम लोग सूट वगैरह लगा लेते हैं अच्छा खासा यार, गूगल्स वगैरह, फिर चलेंगे हम लोग प्रीमियम मॉडल डिलक्स पर। तभी ना गाइस अपने पास इतना ज़्यादा कैश ना कि यार पूछो ही मत, मतलब काफ़ी सारा कैश हमारे पास पड़ा है, जिससे हम काफ़ी सारे जो है हम लोग बाय कर सकते हैं कार वगैरह। लेकिन अभी ना हम लोग लेंगे एक बहुत ही तगड़ी सी रॉयल्स रॉयस, और यार हम ना उसे बाद में गोल्ड में पूरी तरह से बदल सकते हैं। बहुत ही अच्छा खासा हमारे पास माल और गोल्ड पड़ा है, तो हम उसे गोल्ड भी करा सकते हैं बैनी से। तो खैर, अभी ना हम आ चुके अपने गैराज पर दोबारा, और यहाँ पे हम यार कवासी के निंजा को लेकर के चलते हैं। वैसे कवासी के निंजा ना काफ़ी ज़बरदस्त लगता है ग्रीन कलर में। खैर, चलते हैं। और अभी गाइस हम लोग चलने वाले हैं प्रीमियम मोटो डिलक्स पर, और वहाँ पे ना काफ़ी सारे कलर का, काफ़ी सारे अलग अलग मतलब यार मॉडल का आ चुका है रोल्स रॉयस। खैर, अभी ना हम लोग मार्क लगा लेते हैं गाइस, और ये रहा अपना जो है प्रीमियम मोटो डिलक्स की जगह है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है गाइस, हम बहुत ही जल्दी पहुँच सकते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं फटाफट से, भाई क्या कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा मैं बाइक को। खैर, यहाँ पर मुझे लेना है लेफ्ट, और भाई अभी हम लोग को सीधा चलना है, तो यहाँ पे मैं गलत रास्ते से चल रहा हूँ, मुझे ना ये राइट वाले रास्ते से जाना है। तो यहाँ पे हम लोग राइट ले लेते हैं, और भाई अपना सीधा चलते हैं हम। तभी ना गाइस यहाँ पे मुझे सीधे जाना है, और आगे वाले कट से एक राइट लेना है, फिर हम लोग सीधा यार चल सकते हैं प्रीमियम मोटो डिलक्स पर। और गाइस देखते हैं कोई अच्छा सा कार, मतलब यार कोई अच्छा सा कलर, और भाई कोई भी कलर लेंगे यार हम बाद में ना, उसे हम लोग कोई भी कलर करा सकते हैं, गोल्ड में भी हो सकता है हम लोग बदल सकते हैं। खैर गाइस, अभी हम लोग चलते हैं, और भाई काफ़ी मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में, और यार बाइक का जो साउंड है ना भाई बहुत ही गजब है। खैर, अभी ना गाइस मैं पहुंच चुका हूँ प्रीमियम मोटो डिलक्स पर, जहाँ से हम लोग लेने वाले हैं रोल्स रॉयस। खैर, यहाँ पे मुझे एक राइट लेना है, और बस ये रहा सामने ही। तो गाइस ये रहा अपना प्रीमियम मोटो डिलक्स, और भाई यहाँ पे ना काफ़ी सारा कलर का रोल्स रॉयस खड़ा है, और भाई यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी है। तो यहाँ पे मैं अपनी जो है बाइक को पार्क कर देते हैं गाइस, और भाई कितना सारा यहाँ पे रोल्स रॉयस खड़ा है। खैर, यहाँ पे ना इस वाले में यार रेड कलर देखो यार, क्या जबरदस्त लग रहा है, मतलब रेड कलर भी काफ़ी सही लगता है रोल्स रॉयस। वैसे यार रोल्स रॉयस ना ब्लू, मतलब डार्क ब्लू, और यार
ब्लैक और वाइट काफ़ी सही लगता है मुझे। तो यहाँ पे ना गाइज ये देखो, यहाँ पे इसके ऊपर रूफ़ है और बाकी बहुत सारा है जो कि इसके में यार रूफ़ नहीं है। खैर अभी हम लोग जाकर बात करते हैं कि यार इसका क्या प्राइस है। और मैं यार कट्टा लेके घूम रहा हूँ भाई, कोई देख लेगा सिक्योरिटी गार्ड तो क्या बोलेगा। खैर चलते हैं, और इन्होंने नहीं देखा, और भाई बात करते हैं फटाफट से। तभी ना गाइस माइकल और यार मैनेजर का बात हो रहा है, फिर हम लोग डील करते हैं गाइस। उसके बाद हम कोई अच्छा सा कलर चूज़ करेंगे, फिर पेमेंट करके ले करके जाएंगे अपने रोल्स रॉयस को। तो फटाफट से बातें करते हैं। तेरा हमारा जो है बात वगैरह सब कुछ हो चुका है, बाहर चलते हैं गाइस और देखते हैं कोई अच्छा सा। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के पास भी अच्छा खासा वेपन है। खैर अभी ना गाइस यहाँ पे जो मैनेजर है हमें अच्छा खासा यहाँ पे जो भी कलर रहेगा वो सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है कौन कौन सा कलर है। खैर यहाँ पे रेड है और यार सब कुछ तो मुझे दिख ही रहा है। खैर यहाँ पे रेड है और इनका इंटीरियर भी यार काफ़ी सही है, लगभग यार रेड कलर का ही सया से है। और ये भाई वाइट कलर है और ऊपर थोड़ा सा लाइट ग्रे है, और भाई ये भी काफ़ी सही लग रहा है। इसमें रूफ़ नहीं है और यार इंटीरियर यार ब्लैक है पूरी तरह से, बहुत ही सही लग रहा है। डैशबोर्ड यार बहुत ही अच्छा खासा है। यहाँ पे अंदर का व्यू देखते हैं भाई, बहुत ही गजब का लग रहा है। खैर यहाँ पे यार सारा कुछ दिया गया है, और भाई रोल्स रॉयस ना बहुत यार तगड़ी कार है, आप सभी को मालूम होगा, बहुत यार लग्जरी कार है। खैर यहाँ पे ना यार अंदर का व्यू भी काफ़ी सही लग रहा है मुझे, और यार वाइट और यार मतलब यार थोड़ा सा लाइट ग्रे है ना आगे, वो काफ़ी सही लगता है मुझे। खैर गाइस यहाँ पे एक और ये डार्क ब्लू, ये भी काफ़ी सही लेकिन उतना खास नहीं है। वाइट यार इसके सामने बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। खैर यार यहाँ पे जितने भी रॉयल्स रॉयस है ना बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, और यार कुछ में रूफ़ है तो यार मैं क्या सोच रहा हूँ रूफ़ वाला ही लेना चाहिए क्योंकि यार बारिश में दिक्कत हो सकता है हमें। खैर यहाँ पे ये एक और है रेड, और आगे यार डैशबोर्ड इसका जो है ब्लैक है, और ये भाई अपना जो है डार्क ग्रे है शायद से, यार ये ब्लैक है, ओ हाँ ये ब्लैक है और यार थोड़ा सा डार्क ग्रे की तरह लग रहा है मुझे। और इसका जो इंटीरियर है ये येलो कलर का है और काफ़ी सही लग रहा है मुझे भाई। इस कार का जो है ना इंटीरियर काफ़ी सही लगता है मुझे। तभी ना गाइस आगे चलते हैं और कोई अच्छा सा देखते हैं। वैसे यार मैं क्या सोच रहा हूँ कि यार रेड या फिर नहीं, लाइट ग्रे या फिर यार ये वाइट लेना चाहिए हमें। वैसे यार वाइट काफ़ी सही लगता है, और यार ऊपर देखो यार लाइट ग्रे है, बाकी ऊपर रूफ भी लगा है, मतलब यार रूफ वाला ही लेना चाहिए, और यार ये वाइट काफ़ी सही लग रहा है मुझे। वैसे यार अगर हम लोगों ने मतलब यार वाइट अच्छा नहीं लगेगा तो हम लोग बाद में जाकर यार लॉस सैंटोस कस्टम से इसको कलर भी करा सकते हैं, जो भी कलर हमें अच्छा लगेगा वो कलर करा सकते हैं। खैर यहाँ पे हम लोगों ने सारा कार देख लिया, जितना भी कलर है वो सब कुछ हमने देख लिया। बाकी यार आगे ना काफ़ी ज़बरदस्त लगता है, पीछे सब कुछ ठीक ठाक है, और भाई मैं क्या सोच रहा हूँ ना यही वाला लेना चाहिए, मतलब यार ये वाइट कलर काफ़ी सही लग रहा है, और अंदर का इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा खासा है, यहाँ पे गोल्डन तरह की लग रहा है, और भाई सब कुछ बहुत ही मस्त है, स्क्रीन वगैरह सब कुछ है। खैर गाइस यहाँ पे इसी को हम लोग डील कर लेते हैं और पेमेंट दे करके हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो गाइस जमीन यार हमारा जो है पेमेंट वगैरह सब कुछ हो चुका है, और हमने सब कुछ बातें वगैरह सब कुछ कर लिया। अब यहाँ पे यार ये जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, यहाँ पे काफ़ी सारा कलर है लेकिन वाइट यार रोल्स रॉयस में ना बहुत ही गजब का लगता है। खैर चलते हैं यार थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव लेते हैं कैसा लगता है, और बहुत ही यार अच्छा दिख रहा है। वैसे कार चलाने में अच्छा लगना चाहिए। खैर यहाँ पे ना अपना जो कवासी के निंजा है हम लोग बाद में आ करके ले जाएंगे, तो अभी हम लोग चलने वाले इसी कार को यार टेस्ट करने। और वैसे अपना कवासी के निंजा लॉक है, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है तो चोरी होने का यार कोई डर नहीं है। तो अभी हम लोग चलते हैं फटाफट से टेस्ट ड्राइव पे और देखते हैं यार कितना स्पीड चलता है। वैसे तो यार काफ़ी अच्छा खासा स्पीड चलना चाहिए, और ये भाई फॉर्चूनर जा रहा है, मतलब बहुत ही सही है। खैर अभी हम लोग चलने वाले हैं लॉस सैंटोस कस्टम पे, और वहाँ पे ना गाइस हम लोग अपनी कार को थोड़ा सा मॉडिफाई भी करा लेते हैं ताकि अच्छा दिखे, और भाई वैसे तो अभी भी अच्छा लग रहा है। तभी ना गाइस हम लोग आ चुके हैं लॉस सैंटोस कस्टम पे, और भाई अंदर चलकर इसे रिपेयर करा, मतलब यार इसे जो है कुछ मॉडिफाई वगैरह करा लेते हैं ताकि यार और भी अच्छा लगे नाइट में अपना कार। तो यहाँ पे मैंने यार थोड़ा सा नीचे के साइड लाइट लगवाऊंगा, और भाई थोड़ा सा रिपेयर भी करा लेते हैं। ओके तभी ना गाइस यहाँ पे सब कुछ इंजन वगैरह सब कुछ यार मतलब मैक्स लेवल पर है, बाकी यहाँ पे मैंने सब कुछ करा लिया। अब भाई देखो क्या मस्त लग रहा है, मतलब नीचे के साइड ग्रीन कलर मैंने कराया है, वैसे यार इसे मैं चेंज भी करा सकता हूँ लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगा ग्रीन, और नाइट में यार ग्रीन काफ़ी अच्छा भी लगेगा। खैर गाइस यहाँ पे मैंने कलर वगैरह मतलब यार यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा मॉडिफिकेशन भी करा लिया, और इसका स्पीड भी और साउंड भी है ना थोड़ा सा बढ़ गया है, मतलब काफ़ी ओवर पावर हो गया है। अभी हम लोग चलते हैं और थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव लेते हैं कितना स्पीड चलता है। तो यहाँ पे 150 प्लस चला गया भाई, यहाँ पे ना सही से हम लोग कार भी नहीं चला सकते क्योंकि यार ट्रैफिक ना और रोड भी सही नहीं। तो यहाँ पे यार 170 का स्पीड चला गया था, अगर यार हम लोग ना कोई अच्छा सा रोड पे चलाएंगे तो 200 प्लस आराम से जा सकता है ये रोल्स रॉयस।
रोल्स रॉयस। तभी ने कहा यहाँ पे 200 प्लस थी, आराम से जा सकता है। खैर यार, कार आपको कैसा लगा ये नया रोल्स रॉयस, ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। और यार इसे जो हम लोग गिफ्ट कर देंगे किसी को, तो अभी यार कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमें यार इसे गोल्ड में कराना चाहिए या फिर यार खुद रखना चाहिए, या फिर इसे हम लोग गोल्ड में भी करा सकते हैं। खैर हम लोग आ चुके अपने गराज पर और गराज पर रखते हैं। खैर यार काफ़ी सही कार लगा मुझे, आपको ये कार कैसा लगा रोल्स रॉयस का कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और गाइस अगर यार मुझे रखना होगा ना तो मैं इसे रख लूँगा, बाकी यार इसे मैं चाहूँ तो गोल्ड भी करा सकता हूँ पूरा तरह से प्योर गोल्ड। और भाई गोल्डन रोल्स रॉयस ना क्या लगेगा मतलब, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यार आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर यार कुछ ना कुछ। बाकी यार भाई अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और भाई रोल्स रॉयस यहाँ पे अपने पास ना रोल्स रॉयस के अलावा फॉर्च्यूनर है और एक लैम्बोर्गिनी सियान है और एक कवासाकी निंजा है। तभी ना गाइस और भी कार लगे, कौन कौन से लगे कमेंट में बताइएगा। बाय, अपना ख्याल रखिएगा।